दिल्ली के राजमा चावल और चांदनी चौक से था ऋषि कपूर का रिश्ता। 24 घंटे के भीतर बॉलीवुड ने दो बड़े एक्टरों को खो दिया है। पहले इरफान ने बुधवार सुबह दुनिया को अलविदा कहा तो अगले ही दिन अपने समय के सबसे बड़े चॉकलेटी हीरो में शुमार ऋषि कपूर ने जिंदगी कपूर से जिंदगी रूठ गई। ये बहुत ही इत्तेफाक है कि दोनों ही दिग्गज अभिनेताओं का दिल्ली से गहरा लगाव रहा है, जहां पर इरफान ने NSD से एक्टिंग के गुण सीखे और सालों तक दिल्ली में रहकर थिएटर किया, तो वहीं पर ऋषि कपूर की कई फिल्मों की शूटिंग दिल्ली में हुई थी। उनमें चांदनी प्रमुख फिल्म है। इसके अलावा ऋषि कपूर 3 साल पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अपनी फिल्म राजमा चावल फिल्म की शूटिंग के लिए रुके थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को काफी करीब से देखा। जब भी ऋषि कपूर को फिल्म राजमा चावल की शूटिंग के लिए समय मिलता तो उन्होंने दिल्ली के कुछ इलाकों की सैर भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बोला था कि शूटिंग के समय उन्होंने किनारी बाजार के कढ़ी पकौड़े भी खाए थे। इसी के साथ ही इसके अलावा उन्होंने मजाकी अंदाज में कहा था कि मैंने इन दिनों अपना वजन भी बढ़ा लिया है। ये महज इत्तेफाक ही है कि जब ऋषि कपूर के चाचा शशि कपूर का निधन हुआ था तो वो दिल्ली के चांदनी चौक में राजमा चावल की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें चाचा की मौत की जानकारी मिली तो वो शूटिंग बीच में छोड़ अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गए थे। सोर्सेस की माने तो बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की तबीयत बुधवार को देर रात में अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और सुबह इस सदाबहार और लाखों दिलों पर राज करने वाले ऋषि कपूर के निधन की खबर आई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सकते में है और साथ ही बॉलीवुड गमगीन हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।